अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है खड़े मसाले वाला कीमा करेले। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये चिकन चाहिए। ये मैंने चिकन का गोश्त लेके इसको हाथों से मोटा मोटा कीमा करवाया है। आप चाहें तो बीफ का या फिर मटन का ले सकते हैं। ये करेले लिए, इनको इस तरह आप काट लें। बाज़ लोग इसकी स्किन उतार देते हैं, लेकिन मैं स्किन नहीं उतारती, मैं इसके साथ ही बनाती हूँ। ये 3 पाव प्याज हैं, 3 या 4 बड़े साइज़ की प्याज हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें आपने पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। ये 4 अदद बड़े टमाटर हैं, सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी ये सब्ज़ मिर्चें। और मसालों में ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गर्म मसाला और 1 टेबल स्पून ये नमक। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले और नहीं पड़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल चाहिए। ये जो हमने करेले हैं इनको पहले हमने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल देना है। चलो ये देखिए, इधर हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं और इधर हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच ये जो है बस हमने ऑयल ऐड करना है। इसके बाद ये जो मैंने आपको कहा था पेस्ट, ये हमने ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो थोड़ा सा हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखना है। ये देखिए, जब लहसुन अदरक का पेस्ट गर्म कच्चापन खत्म हो गया, इसमें आपने चिकन ऐड कर देना है। इसमें डाल देना है और इसको हमने 10 मिनट तक फ्राई करना है। इसलिए वो कोई मसाले वगैरह नहीं ऐड करने की ग्रेवी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। जब ये इस तरह हो जाए तो हमने इस दौरान ये 1/2 ग्लास हमने इसमें पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सारे ये जो मसाले ये इसमें ऐड कर दें। ये चिकन का कीमा है तो इसलिए पानी थोड़ा है। अगर आपने बीफ का या मटन का कीमा करना है तो उसमें आपने पानी ज़्यादा डालना। इसको हमने मिक्स करके तो 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना। ये देख रहे ले, फ्राई करके हमने इस तरह रख लिए। आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जब ये इस तरह हो जाए तो इस सिचुएशन में आपने प्याज ऐड कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है। ये 2 मिनट हो गया, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। इसको भी 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे, फिर हम इस एंड पे इसके करेले ऐड करेंगे। पहले 2 मिनट इसको दम लगा देंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो गया। जब ये टमाटर ऐसे आधे गले और आधे हों, इसी दौरान हमने इसमें करेले ऐड कर देने। ये देखिए, हर चीज़ खड़ी खड़ी नज़र आ रही है। अब हमें इसको 5 मिनट के लिए दम देना है और हमारे करेले रेडी। ये देखिए, अब हमारे करेले रेडी हो गए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फिर आपने इसमें धनिया ऐड करना है और सब्ज़ मिर्च। ये बहुत, ये देखिए मेरी ये डिश रेडी हो गई है। ये आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।